हम लोग आए हैं धनतेरस वाले दिन बाहर, और आई थिंक हम लोग कुछ बर्तन बर्तन लेने वाले हैं। बाकी पूजा का सामान हम लोगों ने ले लिया है, बस दिए रह रहे हैं। और स्वीट्स और मिठाई तो एक बात होती है, लेकिन वो तभी आएगी दिवाली वाले दिन ही, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। और बर्तन लेंगे हम, त्रिशा के लिए प्लेट लेंगे। मैंने सोचा है उसके 3 सेक्शन वाली जो प्लेट नहीं होती वो सोचा है मैंने, मतलब काफ़ी टाइम सोच रही थी, क्योंकि उसमें वैरायटी होती है और त्रिशा के बहुत टेंट्रम्स होते हैं खाना खाने में, तो 3 सेक्शन होता है, तो उसमें अलग अलग चीज़ें रखूँगी। और ऐसा होता है ना, मतलब मैंने नोटिस करा है, अगर त्रिशा का खाना मतलब अलग अलग अगर डिफरेंट चीज़ें हों वो आपस में टच होती है ना, तो त्रिशा फिर वो फेंक देती है, तो इसलिए अलग अलग मतलब ऑफिस को वो आइडेंटिफाई भी कर पाएगी खाने को, तो इस वजह से मैंने अलग अलग सेक्शन वाली प्लेट देखती हूँ। बाकी देखते हैं जो मिलती है प्लेट, ये देखेंगे जाके। एंड तुषा, तुषा शांत बैठ। धनतेरस वाले दिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें ली हैं, एक तो झाड़ू जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और हमने लिया है नमक। नमक लिया है? नमक नहीं लिया? ओ देखो सर मार रही है अपना। ओके डोंट क्राई। ओ व्हाई आर यू क्राइंग? व्हाई व्हाई? नमक लिया है, हल्दी की गांठ ली है, और झाड़ू लिया है, और अभी त्रिशा की प्लेट लेंगे और दिए लेने हैं, और बाकी बाकी तो कुछ नहीं बचा, फिर फ्रूट्स और स्वीट्स बची हैं, और बस हो गया। फिर उसके बाद सिंपल सी पूजा कर लेंगे जल्दी जल्दी। सफाई हो चुकी है मंदिर रहना साफ करने के लिए, ठीक है। सुबह मतलब वैसे मैंने कर दिया था थोड़ा बहुत साफ, लेकिन जो डीप क्लीनिंग टाइप की है वो होगा, अभी मैं घर पे जाके करूंगी। ऑल्सो गाइज, ये जो सूट पहन रखा है मैंने, आप देख लो, इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये मैंने अमेजोन से लिया है, ठीक है, और काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ये तो काफ़ी कंफर्टेबल सूट है। इसके साथ पैंट भी आती है, और आई थिंक ये 700 रुपीज़ में ये सूट है, मतलब पैंट प्लस फ्रॉक सूट प्लस इसके साथ दुपट्टा भी है, तो 700 में इतना सुंदर सूट। बाकी फुल तो नहीं दिखा पाऊंगी, अभी आप बैठे बैठे देख लो, और इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जो ये इयररिंग्स हैं, ये मुझे कोलैब में मिले थे इंस्टाग्राम पे, त्रिसन एरिया करके एक पेज है, तो उन्होंने डाला था, तो इयररिंग्स तब मिले थे, उन कोलैब में मिले थे, तो उनके पेज का भी लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जॉनी जॉनी सुनाओ, चलो। सो गाइज, ये वाला जो वीडियो है ये है धनतेरस से एक दिन पहले का, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। ये तो शक्ले प्लेट है, बाकी स्पून्स ले हैं, स्पून्स पता नहीं क्यों ले आए ये, वैसे तो स्पून्स बोल फिर उसके बाद रंगोली है। और ये सबसे अच्छी चीज लगी, पिछली बार जो है मैं ढूंढती रह गई थी,
इसमें सारी पूजा की सामग्री है, इसमें मतलब सब कुछ है जो चाहिए, बस फ्रूट और वो अलग से आएंगे, बाकी इसमें सब कुछ है जो पूजा में लगता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छा लगा मतलब मुझे। फिर उसके बाद नमक हम लोग इसलिए लेके आए हैं क्योंकि धनतेरस वाले दिन नमक खरीदा जाता है और धनिया खरीदा जाता है, और ये हल्दी की गांठ भी है इसी में ही है, ये अगर आपको दिख रही हो पन्नी से, ये हल्दी की गांठ है, ये भी खरीदी जाती है धनतेरस वाले दिन, धनिया भी खरीदा जाता है, नमक खरीदा जाता है, बाकी ये सब डेकोरेशन के लिए, रंगोली लक्ष्मी जी के। एंड यस, क्लीनिंग पूरी हो चुकी है, आते ही मैंने पूरा मंदिर साफ़ कर दिया था, दिया जला दिया था, ठीक है, और अब मंदिर भी साफ़ हो चुका है, बस मॉपिंग रह रही है। मॉपिंग तो खैर अब जब तक हो, मॉपिंग तो खैर रोज होनी चाहिए, ठीक है, और पूरा हो चुका है क्लीनिंग। और ये थी बिफ़ोर दिवाली की शॉपिंग, इस बार लाइटों की शॉपिंग अभी तक नहीं करी क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे और मेरे हस्बैंड का ऑफिस था तो वो ऑफिस के लिए निकल गए हैं, तो वो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं एंड वो रास्ते में ही लाइट ले लेंगे, लेकिन मेरे पास पुरानी लाइट लगी थी तो उनमें से एक लाइट मैंने फिर बाहर लगा दी है, तो लाइटिंग भी हो चुकी है अब, बाकी और कुछ नहीं बचा है, फ्रूट्स बचे हैं वो दिवाली वाले दिन ही आएंगे, स्वीट्स बची हैं वो भी दिवाली वाले दिन आएगी, दीपक हमने ले लिए हैं, टोटल 11 दीपक लिए हैं प्लस एक जो पांच मुंह वाला दीपक होता है वो लिया है, एंड बस और तो कुछ नहीं, पूजा का सामान सारा उसी छोटे पैकेट में था, मतलब मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हुई कि पूजा का सारा सामान उसी में मिल गया था, मतलब अलग से हर चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले ही मंगा लिए थे तो वो भी उसमें से थोड़े थोड़े निकाल के हम लोग रख देंगे, एंड फिर उसके बाद जैसे पूजा विधि होती है उस तरीके से हम लोग पूजा करेंगे। तो ये तो हो गया धनतेरस वाला दिन और क्या क्या हमने शॉप करा, और आई डोंट थिंक अब मैं कुछ लेने जाने वाली हूँ, एंड लेट्स सी दिवाली पे क्या करते हैं। सो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ही क्विक व्लॉग था, ऐसा नहीं था कि बहुत लंबा व्लॉग हो, तो बहुत ही क्विक व्लॉग था, एंड तुषा भी सो रही है और अकेले में व्लॉग में मैं क्या शूट करूँ, क्लीनिंग मैंने आपको दिखाई दी, थोड़ा बहुत ग्लिम्स आपको दिखा दिया, एंड सब कुछ ठीक है, एंड मेरी तबीयत भी सही है और मैं एकदम ऑल राइट हूँ, एंड अगर अभी तक आपने नहीं देखा है मेरा प्रेगनेंसी वाला व्लॉग #baby2 वाला तो वो भी आप देख लेना, ठीक है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड नेक्स्ट अभी दिवाली तक तो रेगुलर व्लॉग आएंगे, फिर उसके बाद वीकली या फिर वीक में दो बार ऐसे डाल दूंगी, ओके, जैसे भी टाइम मिलेगा, अगर वीकली टाइम मिलेगा तो वीकली डालूंगी और अगर दो बार टाइम मिल जाएगा तो दो बार डाल दूंगी। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड दैट्स ऑल गाइज, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, एंड अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, टेक केयर, और मैं चाहती हूँ सभी की दिवाली बहुत बहुत अच्छी जाए, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, बाय बाय, टेक केयर।